हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज मुजम्मिल हुसैन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह की वीडियो होने वाली है। जी बिल्कुल, ये एक रिएक्शन वीडियो होने वाली है जो कि शाहरुख खान SR के मच अवेटेड मूवी, जिसका बहुत देर से ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में इंतज़ार था, वो मूवी फाइनली आज रिलीज़ कर दी गई है। ये वीडियो उस मूवी के ट्रेलर का रिएक्शन वीडियो होगा, यानी कि हम उस मूवी को जो कि अभी आज के दिन में थिएटर्स में, सिनेमाज में लग जाएगी, बड़े पर्दे पर लग जाएगी, तो उस मूवी का जो ट्रेलर रेड चिली इंटरटेनमेंट, जो कि SRK की खुद की प्रोडक्शन कंपनी है, उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो इस वीडियो में हम उस ट्रेलर को अपना एक रिव्यू देंगे, उसको देखेंगे कि ऐसा इस मूवी में क्या है, ऐसा इस ट्रेलर में क्या है कि क्या बताऊं। मतलब जब से इस मूवी का सुना था कि एक जवान नाम से SRK मूवी कर रहे हैं, जिसके डायरेक्टर जो हैं वो साउथ की तरफ से अतली हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ जो हैं वो पहले भी डायरेक्ट कर चुके हैं, और बस मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे कि मैं उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करूं, क्योंकि SRK पिछले कुछ देर से ब्रेक पे थे, आउट ऑफ इंडस्ट्री थे, वो मूवीज़ नहीं कर रहे थे। कुछ मूवीज़ उन्होंने की जो कि वो रिजल्ट्स नहीं दे सकें। फैन थी, ज़ीरो थी, उससे पहले राइस थोड़ी बहुत चली थी, लेकिन वो भी वो जो एक ट्रेडमार्क है जो कि SRK का है, वो सेट नहीं कर सकी। तो उसकी वजह से या कुछ और रीजंस होंगी, आई डोंट नो, तो शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा सा आउट थे। उसके बाद उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर मूवी दी पठान, जो कि कमाल थी। यार अखीर था जॉन अब्राहम और साथ में वन एंड ओनली दीपिका, तो एक जो एक वो ट्रायो बना और उसका जो एक स्क्रिप्ट था, कमाल था। तो उसी को, लेगेसी को लेकर चलते हुए SRK की नई मूवी जो है जवान, वो आज फाइनली रिलीज़ हो गई है, सिनेमाज में लग चुकी है। लेकिन इस वीडियो में हम उस मूवी के ट्रेलर को रिव्यू करेंगे, तो देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में बताता चलूं, तो पहले नंबर पर SRK, सेकंड पे साउथ की ही एक एक्ट्रेस है नयनतारा, वो आपको दिखने को मिलेंगी, और तीसरे नंबर पर वन एंड ओनली माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया के फेवरेट सुनील ग्रोवर, तो वो भी आपको इस मूवी में नज़र आएंगे और बहुत अहम रोल में नज़र आएंगे। तो आ जाए पहले इसका ट्रेलर देखते हैं, देन इस पर अपना जो भी ओपिनियन होगा वो देखते हैं। ओपिनियन कन्फर्म है कि बेहतरीन ही होगा, क्योंकि जिस तरीके की हाइप और जिस तरीके की इसकी एक पब्लिसिटी की गई है, तो मूवी भाई कमाल होने वाली है। तो आ जाए पहले ट्रेलर देखते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आ जाए वीडियो शुरू करते हैं। एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। मुंबई में हुए इस हाईजैक ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। ये बताओ तुम्हें चाहिए यार? चाहिए तो आलिया भट्ट। सब उसके फैन बने पड़े मैम। कोई नाम है? ये अच्छी रेडी। हमारे पास अभी सिर्फ एक ही क्लू है, वो 6 लड़कियां, यही लड़की है।
रोमांटिक करोगे मुझे इंप्रेस करने के लिए। हार जाओगे। हार तुम्हें पहले दिया था। ये बाल असली है कि अपने हेड है क्या? They wanted to make a clear statement. जब मैं विलन बनता हूँ ना, विलन। My name is Kali. I am the fourth largest weapon dealer in the world. अगर कोई मेरे इतने बड़े एम्पायर को हाथ लगाएगा तो Let's make a deal. हम जवान हैं, अपनी जान हजार बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए। तुम्हारे जैसे देश बेचने वालों के लिए हर किस नहीं। सो काली, नो डील। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। I will get them. अब और क्या चाहिए? एक गाना सुनाइए ना। सर, हैट्स ऑफ। तो ये था ट्रेलर जो कि आपने देखा। यार मतलब मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मुझे आई हैव नो वर्ड्स। कमाल है यार, कमाल। SRK एक्टिंग बस है इनके बाद, बस है। और स्टार कास्ट बेहतरीन। डायरेक्शन जो है वो मेरा ख्याल है भाई फाड़ू होने वाली है, बड़ी ज़बरदस्त। और सबसे जो मज़े की चीज़ इसमें ये है, जो आपने नोट की होगी, आई थिंक सो कि आपने नोट की हो कि आपने आज से पहले शाहरुख खान को जितनी भी उनकी मूवीज़ आई हैं उनमें आपने SRK को या एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में देखा होगा, आपने उनको आर्मी की यूनिफॉर्म में देखा होगा, आपने उनको नेवी की यूनिफॉर्म में देखा होगा, लेकिन आज से पहले आपने SRK को कभी भी पुलिस कॉप की यूनिफॉर्म में नहीं देखा होगा किसी भी मूवी में। आज से काफ़ी अरसा पहले उन्होंने एक मूवी की थी 1-2-4, तो उसमें उन्होंने एक पुलिस कॉप जो है उनका रोल किया था, लेकिन उसमें भी वो आपको यूनिफॉर्म में नज़र नहीं आए होंगे। लेकिन फाइनली इस मूवी में SRK आपको पुलिस कॉप की यूनिफॉर्म में नज़र आने वाले हैं, जो कि यार बस मैं आपको कैसे बताऊँ। तो उसके बाद जो एक केमिस्ट्री है जो साउथ की और जो बॉलीवुड की, यार वो मतलब अमेजिंग है। जब ये फ्यूज़ होता है ना, कम्बिनेशन इनका बनता है, डायरेक्शन उनकी और स्टार कास्ट जो होती है वो बॉलीवुड से आ रही होती है, तो यार एक नई ही चीज़ निकल के आती है। तो इसमें भी मुझे यही लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में के सिनेमाज में तो हमें ये देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो बाहर हैं गल्फ कंट्रीज़ में है या पूरी दुनिया में है, तो वो लोग इस मूवी को, इस फिल्म को ज़रूर इंजॉय करेंगे। हम भी जो है वो कोशिश करेंगे कि जहाँ से भी इसको डाउनलोड करें या जहाँ से भी इसको देख सकें। तो यार आई एम गोना मिस दिस मूवी। पठान के बाद आल्दो पठान मुझे अच्छी लगी, बट यार ये उससे नेक्स्ट लेवल है, एक लेवल उससे ऊपर होने वाली है। तो मैं तो यार बीइंग अ पाकिस्तानी यहाँ बैठकर मैं एक एक्साइटमेंट शो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस मूवी को सिनेमाज में उस लेवल पर इंजॉय शायद ना कर पाऊँ। लेकिन जो इंडियन फैंस हैं SRK के, वो ज़रूर इस मूवी को इंजॉय करेंगे। और यार मैं फिर कहूँगा मस्ट, यू शुड गो टू वॉच दिस मूवी। यार हैट्स ऑफ शाहरुख खान, हैट्स ऑफ SRK, लॉट्स ऑफ लव। तो ये थी आज की वीडियो जी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।